الله أكبر الله أكبر الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد <coughs> لله <coughs> 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 <Alhamdulillah> दीक हो का जिक्र हो रहा था आपके सिर पर तो कुछ भी आन हुआ था इस बारे में जो रवायात हैं इसमें यह भी है कि आप हसब व नसब के माहिर थे और शेरी ओक़ भी रखने वाले थे लिखा है कि हजदूबल के सदीक लोगों में सबसे ज़्यादा एहले अरब के हसब व नसब को जानने वाले थे बिन मोहम जो, जो कि इस फान यानी इल्माब में कमाल तक पहुँचे हुए थे उन्होंने कहा मैंने नस्ब का इलम बकर से सीखा है क्योंकि ख़ास तौर पर ग्रैश का हसब व नसफ़ क्योंकि हजरत उबकर कुरैश में से कुरैश के हसब नसब और जो अच्छाइयाँ और बुराइयाँ उनके नसब में थीं, उनका आप सबसे ज़्यादा इल्म रखने वाले थे और आप उनकी बुराइयों को तस्करा नहीं करते थे इसी वजह से आप हजरत अकील बिन अबू तालिब की नस्बत उनमें ज़्यादा मकबूल थे यानी कुरैश में ज़्यादा मकबूल थे हजर ताकील हजत के बाद क्रैश के हसब और उनके अबावज़दाद अजदाद और उनकी अच्छाइयाँ और बुराइयों के बारे में सबसे ज़्यादा जानने वाले थे मगर हजरतकील क्रैश को नापसंदीदा थे क्योंकि वो क्रैश की बुराइयाँ भी गिनवा देते थे हजरत कील मस्जिद नबी में नस्फ अरब के हालात और वाक़ात का इलम हासिल करने के लिए हज़बकर के पास बैठा करते थे एहले मक्का के नज़दिकबूबर उनके बेहतरीन लोगों में से थे चुनाचे जब भी उन्हें कोई मुश्किल पेश आती तो आपसे मदद तलब करते थे बयान हुआ है कि हजरत को कोसाव अरब बिलखसूस क्रैश के नस्ब का इलम सबसे ज़्यादा है चुनाचे जब क्रैश के शहर आने हज़रत सल्ला वम की हजम में इशार कहे तो हसान बिन साबित के स्पुर ख़िदमत हुई कि वो इशार में ही इनकी हजम का जवाब दें हसान जब हज़रत सल्ल वम की खिद में हाज़िर हुए तो आप ने फरमाया कि तुम क्रैश की हजम कैसे कहोगे जबकि मैं ख़ुद भी कुरश में से हूँ इस पर हजरतान ने अर्ज़ किया कि यार अलैहि सल्ल्लाम मैं आपको उनसे ऐसे निकाल लूँगा जैसे आटे से बाल या मक्खन से बाल निकाल दिए जाता है इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम ने उन्हें फ़रमाया कि तुम उबकर के पास जाओ और उनसे कुरैश के नस्ब के बारे में पूछ लिया करो हजरत हसान कहते थे कि फिर मैं इशार लिखने से पहले हजरत अब्बर की खिदत में हाज़िर होता और वो मेरी क्रैश के मर्दों और औरतों के बारे में रहनुमाई फरमाते। चुनाच जब हजरतान के ये अशार मक् जाते तो मक् वाले कहते कि इन अशार के पीछे वो बकर की रहनुमाई और मश्र शामिल है हजरतूब बकरसाब की तरह याम अरब यानी अरबों की वाहम जंगों की तारीख के भी बहुत बड़े आलम थे इसी तरह हजद वोकर को हजद वोकर गो के बाकायदा शायर तो ना थे लेकिन शेर ही खूब था हजत वदीक की सीरत नगारों ने ये बहस उठाई है कि आपने बाकायदा तौर पर शेर कहे थे या नहीं और कुछ सीरत नगारों ने नफ़ी की है कि आपने अशार कहे होंगे अलबतः बाद सीरत नगारों ने हजद वकर कुछ अशार का भी जिक्र किया है इसी तरह हजत के अशार पर मुश्तम पच्चीस के साइज पर मुश्तमिल एक मखतूत जो कि तुर्की के कुतु खाना से दस्तियाब हुआ है वहाँ पढ़ा हुआ कहते हैं जान किया जाता है कि हज़त वक्र के अशार हैं इसमें किसी लिखने वाले ने यहाँ तक लिखा है कि मुझे इन अशार की हजत तरफ़ नस्ब की तस्दीक इलामी तौर पर हुई है तबक़त इबनसाद और सीरत अबन श्याम ने यही लिखा है कि हजतऊब्बकर ने कुछ अशार कहे थे आ हज़रत अलैहि वसल्लम की वफात पर आपकी तदफीन तदफीन के बाद हजतर के अशार ये बयान किए जाते हैं ये तर्जमा यह है कि ए आँख तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोने के हक़ की कसम तू रोती रह और अब तेरे आंसू कभी न थमें ए आँख यानी कबीला कैश के बेहतरीन फर्जंद पर आंसू बहा जो कि शाम के वक्त लहद में छुपा दिए गए हैं बस बादशाहों के बादशाह बंदों के वाली और इबादत करने वालों के रब का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर द्रुद हो बस हबीब के बिछड़ जाने के बाद अब कैसी ज़िंदगी दस जहानों को जीनत बख्शने वाली हस्ती की जुदाई के बाद कैसी आरास्तगी बस जिस तरह हम सब ज़िंदगी में भी साथ ही थे काश मौत भी हम सबको एक साथ घेरे में ले लेती ये इशार का तर्जमा आपकी फिरासत के बारे में आता है कि बहुत सारी फिरासत है हज़बु सैद खुदरी ने बयान किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने एक बंदे को इख्तीार दिया है दुनिया का या उसका जो इस अल्लाह के पास है तो उसने जो अल्लाह के पास है उसको पसंद किया है इस पर हूँ कर रजी रो पड़े तो मैंने आपने दिल में अपने दिल में कहा इस बुज़ुर्ग को क्या बात रुला रही है अगर अल्लाह बंदे को दुनिया या जो उसके पास है पसंद करने के मतलब इख्तियार दिया है तो फिर इसने जो अल्लाह के अज़ा व जल के पास है उसे चुन लिया है तो रसूल वसम ही वो बन्दे थे और हज़त अबू बकर हम सबसे ज़्यादा इलम रखते थे आप ने फरमाया अबू बकर महतर हो आगे रवायत में आता है उनकी कि आप ने फरमाया अबू बकर महतरो यकीन तमाम लोगों में सबसे बढ़ कर मुझसे निकी करने वाला अपनी रफाकत और अपने माल के ज़रिए अबू बकर ही है अगर मैं अपनी उम्मत में से किसी को खलील बनाने वाला होता तो मैं अबू बकर को बनाता लेकिन इस्लाम की बरदरी और मोहब्बत ही है मोहब्बत में कोई दरवाज़ा मस्जिद में कोई दरवाज़ा नहीं ना रहे मगर बंद कर दिया जाए सुबह उ के दरवाजे के तो सरासत के हवाले से वाला दोबारा पेश किया पहले दरवाजों की तो जो है इसकी भी एक तश्री हजरत वसिम ने फरमाई है जो आगे बयान करूँगा बहरहाल हजत मुस्लिम इसी वाक़े का कर जिक्र करते हुए फरमाते हैं कि जब रसूल करीम वसल्लम की ज़िंदगी के आख़िरीयाम आए तो एक दिन आप तकरीर के लिए खड़े हुए और साहबा से मुखातब होकर फ़रमाया लोगो अल्लाह एक बंदा है उसको उसके खुदा ने मुखातब किया और कहा है मेरे बंदे, मैं तुझे इख्तियार देता हूँ कि चाहे तो दुनिया में रह और चाहे तो मेरे पास आ जा इस पर उस बंदे ने खुदा के कुर्ब को पसंद किया जब रसूल करीम सल वे फरमाया तो हजरत अब बकर रो पड़े हजरत उमर कहते हैं यहाँ उमर के वाले से बात हो रही है हजरत उमर कहते हैं कि मुझे उनका रोना देख कर सख्त गु़स्सा आया कि रसूल करीम अलैहि वसल्लम तो किसी बंदे का वाक़ बयान फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने उसे इख्तियार दिया कि वो चाहे तो दुनिया में रहे और चाहे तो खुदा ताली के पास चला जाए और उसने खुदा ताल के कुर्ब को पसंद किया ये बुरा क्यों रो रहा है मगर हजरत अबर की इतनी हिचकी बन गई बंधी इतनी हिचकी बंदी वो किसी तरह रुकने में ही नहीं आती थी आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर से हम ने फरमाया कि अबू बकर से मुझे इतनी मोहब्बत है कि अगर ख़ुदा के सिवा किसी को खलील बनाना जायज होता तो मैं अबू बकर को अपनाता हज़त उमर फरमाते हैं कि जब रसूल करीम सल वम कुछ दिनों के बाद वफात पा गए तो उस वक्त हमने समझा कि अबू अबूबकर का रोना सच्चा था और हमारा गुस्सा बेवकूफ़ी की अलामत था हजरत नसीम उ फरमाते हैं कि हज़र बकर जिनको कुरान मजीद का ये फैम मिला था कि जब रसूल करीम सल वसम आयत अल्योम अकमल तोम दीनाकुम वत्म तोम नमती पढ़ी तो हजर अबूबकर रो पड़े किसी ने पूछा कि यह बूढ़ा क्यों रोता है तो आपने कहा कि मुझे इस आयत से यानी हज दो वो करने का कि मुझे इस आ, इस आयत से मेगम्बर ख़ुदा रसूल रसूल अक्रम सी की वफ़ात की बू आती है अम्ब्या आल्लाम सुनवाते हैं कि अम्ब्याम बतौर हुकाम के होते हैं जैसे बंदोबस्त का मुलाज़म जब अपना काम कर चुकता है तो वहाँ से चल चल देता है इसी तरह अम्ब्यालम जिस काम के वास्ते दुनिया में आते हैं जब इसको कर लेते हैं तो फिर वो इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं बस जब बस जब अलमा लकुम दीनकुम की सदा पहुँची तो हजत अबकर ने समझ लिया कि ये आखिरी सदा है इससे साफ मालूम होता है कि हजत दुव, हजरत का फैम बहुत बड़ा हुआ था और ये जो अदीस में आया है कि मस्जिद की तरफ सब खिड़कियाँ बंद की जाएँ ये खिड़की की वजह भी फरमा दी कि इससे क्या मुराद है खिड़कियाँ बंद करने से फरमाया कि मस्जिद की तरफ ये जो आया है हदीस में कि मस्जिद की तरफ सब खिड़कियाँ बंद कर दी जावें मगर अबू बकर की खिड़की मस्जिद की तरफ खुली रहेगी इसमें यही सिर है कि मस्जिद चूँकि महर इसी होती है इसलिए हजरत अबू बकर सिद्दीक की तरफ ये दरवाज़ा बंद नहीं होगा अल्लाह ताला के राज बातें गहराई गे, जो अल्लाह तकमत है बातों में वो हज़त वो कर सदी पर हमेशा खुली रहेगी खुलती चली जाएगी आप बाद में भी अम्ब्याते हैं कि अम्ब्यासम इसारत और मजाजात से काम लेते हैं जो शख्स खुश मुलाओं की तरह ये कहता है कि नहीं ज़ाहिर ही जाहिर होता है वो सख्त गलती करता है मज़ात इब्राहिम अल्लाम का अपने बेटे से ये कहना कि ये दहलीज बदल दे या हजरत अलैहि वसल्लम का सोने के कड़े देखना वगैरह अमूर अपने जाहरी मानों पर नहीं थे बल्कि इस्तियारा और मजाज़ के तौर पर थे उनके अंदर एक और हकीक़त थी वसीम फरमाते हैं कि गरज दा यही थी कि हजरत अब्बर को फहम कुरान सबसे ज़्यादा दिया गया था इसलिए हज़रतर ने इस्तलाल किया और माते हैं कि मेरा तो ये मज़हब है कि अगर ये मानी बाहिर मारज भी होते तक भी, त, तब भी तब भी तकवा और तैयारतदारी का तक़ाज़ा तो ये था कि हजरत कि अबूबकर के कि, कि अबूबकर ही की मानते यानि लोग उन्हें की बात मानते मगर यहाँ तो एक लफ्स भी कुरान मजीद में ऐसा नहीं है जो हज़रत बकर के मानों का मारज हो और फरमातेगा मौलियों से पूछो कि अबू बकर दानशमंद थे कि नहीं क्या वो अबू बकर न थे जो सदीक कहलाया क्या यही वो शख्स नहीं जो सबसे पहले खलीफा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि पहला पहले खलीफा रसूलुल्लाह का बना जिसने इस्लाम की बहुत बड़ी ख़िदमत की कि ख़तरनाक इर्तदात की वबा को रोक दिया अच्छा फरमाते हैं, अच्छा और बातें जाने दो यही बताओ कि हज़तवकर को मेंबर पर चढ़ने की ज़रूरत क्यों पेश आई थी फिर तकवा से ही बताओ कि उन्होंने जो माँ मोहम्मदन इल्ला रसूल खत खलत मिनकबल रसूल पढ़ा तो इससे इस्तलाल ताम करना था या ऐसा नाकस इस्तलाल ताम करना था या ऐसा नाकस कि एक बच्चा भी कह सकता ईसा को मौत समझने वाला काफिर हो जाता है यानी मुकमल ये आयत पढ़ने का मतलब ये था एक बड़ा वाज और ठोस दलील दी जाए ना कि नाक सुदरी फिर एक और मौका पर इसी बात की विजात करते हुए हजमसीम फरमाते हैं कि अलमा अकमल लकुम दीनकुम की आयत दो पहलू रखती है एक ये कि तुम्हारी तस्हर कर चुका दोम किताब मुकम्मल कर चुका कहते हैं जब यह आयत उतरी तो वो बकर रो पड़े किसी ने कहा बुढ़े क्यों रोता है आपने जवाब दिया कि इस आयत से आ हज़रत अलैहि वसल्लम की वफात की बू आती है क्योंकि ये मुकर शुदा बात है कि जब काम हो चुकता है तो उसका पूरा होना ही वफात पर दलालत करता है जैसा दुनिया में बंदोबस्त होते हैं और जब वो ख़त्म हो जाता है तो अमला वहाँ से रुखत होता है जब आजरत सल्ला वसम ने हजरत अबू बकर वाला किस्सा सुना तो फरमाया सबसे समझदार अबू बकर है और यह फरमाया कि अगर दुनिया में किसी को दोस्त रखता तो अबू बकर को रखता और फरमाया अबर की खिड़की मस्जिद में खुली रहेगी बाकी सब बंद कर दो कोई पूछे कि इसमें मुनासबत क्या है इससे क्या मुराद तो दोस्त रखता फिर खिड़की खुली रहेगी तो तो फरमाया कि याद रखो मुनासबत बयान फरमा रहे हैं कि याद रखो कि मस्जिद ख़ाना खुदा है जो सर चश्मा है तमाम हक़ व मारफ का इसलिए फरमाया कि अबू बकर की अंदरूनी खिड़की इस तरफ है तो इसके लिए ये भी खिड़की रखी जाए ये बात नहीं कि और साहबा महरूम थे उनमें भी थे बड़े बड़े फरासत वाले लेकिन सबसे ज़्यादा जो बकर में थे बल्कि अबूबर की फजीलत वो ती फरासत थी जिसने इब्तः में भी अपना नमूना दिखाया और इंतहा में भी गोया अब वक्र का वजूद मजमूतलफरासतन था फिर हजरत अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हजरत बकरण हो साहिब तजर्बा और साहिब फिरासत लोगों से थे आप ने बहुत से पेचीदा अमूर और उनकी सख्तियों को देखा और कई मार्कों में शामिल हुए और उनकी जंगी चालों का मुशाहिदा किया और आपने कई सहर सहरा और कोहसार रोंदे और कितने ही हलाकत के मकाम थे जिनमें आप बेदरी घुस गए और कितनी कजराहें थीं जिनको आपने सीधा किया और कई जंगों में आपने पेशकदमी की और कितने ही फितने थे जिनको आपने नस्त व नबूद किया और कितनी ही सवारियाँ थीं जिनको आपने सफ़रों में दुबला किया यानी बेशुमार सफ़र किए सवारियाँ थक जाती थीं और बहुत से मराहल तय किए यहाँ तक कि आप साहिब तजर्बा और फ़रासत बन गए आप मसायब पर सब्र करने वाले और साहिब रियाजत थे बस अल्लाह ताली ने आपको अपनी आयत के मौरत अलैहि वसलम की रफ़ाकत के लिए चुना और आपके सिद्क सबात के बास आपकी तारीफ़ की ये इशारा था इस बात का कि आप रसूल सल्ला वम के प्यारों में से सबसे बढ़कर हैं आपने नेत के खमीर से आप ह्रियत के खमीर से पैदा किए गए और वफा आपकी घुटी में थी इस वजह से आपको खौफनाक अहम अमर और होशरबा ख़ौफ के वक्त मंतख किया गया और अल्लाह अलीमो हकीम है वो तमाम अमूर को उनके मौक़ और माहौल पर रखता और पानियों को उनके मुनासिब हाल सर चश्मों से जारी करता है सो इसमें इबन कहा इबन अभी कहाफा पर निगाह इल्तिफात डाली और उस पर खास एहसान फरमाया और उसे एक जगाना रोज़गार शख्सियत बना दिया और अल्लाह ताला फरमाया और वो बात करने वालों में से सबसे सच्चा यानी अल्लाह ताला जो फ़रमाया अल्लाह ताला सबसे सच्चा है बात करने वालों में से। क्या फरमाया तसरू हो फ़क्त नसरा हो इज़ अखरजा लजीना सानी सानसनैने

और अगर तुम इस रसूल की मदद ना भी करो तो अल्लाह पहले भी उसकी मदद कर चुका है जब उसे उन लोगों ने जिन्होंने कुफर किया वतन से निकाल दिया निकाल दिया था इस हाल में कि दो में से एक था जब वो दोनों वार में थे और वो अपने साथी से कह रहा था कि गम न कर यकीन अल्लाह हमारे साथ है बस अल्लाह ने उस पर अपनी शकीनत नाजिल की और उसकी ऐसे लश्करों से मदद की जिनको तुमने कभी नहीं देखा और उसने उन लोगों की बात नीचे कर दिखाई जिन्होंने कफर किया था और बात अल्लाह ही की गलब होती है और अल्लाह कामिल गलबे वाला और बहुत हमत वाला है हजरत बकर को तबीर का फ़न भी बहुत आता था लिखा है कि इल्म तवीर में हजरत बकर सदीक बड़ा मलका रखते थे इल्म तबीर में आपको सबसे ज़्यादा फोकियत हासिल थी यहाँ तक कि हज़ूर सरवर कायनतु वसलम के हद मुबारक में आप ख्वाबों की तबीर बताया करते थे अमाम मोहम्मद बिन सीरी फरमाते हैं कि रसूल सल वसलम के बाद सदीक सबसे बड़े मबिर थे हज़रतर सदीक इतरा हो कि बयान करदा चंद ख्वाबों की तबीरें बयान की जाती हैं अब्बास बयान करते हैं कि किहद से वापसी के मौके पर एक शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि के पास आया और अर्ज़ किया कि अल्लाह मैंने ख़्वाब में एक बादल देखा है जिससे घी और शहद टपक रहा था और मैंने देखा कि लोग अपने हाथों में उससे ले रहे थे कोई ज़्यादा लेने वाला कोई थोड़ा लेने वाला और मैंने एक रस्सी देखी जो आसमान तक पहुंची हुई थी और मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आपने उसे पकड़ा और उसके ज़रिए ऊपर चले गए इसके बाद एक और शख़्स ने उसे पकड़ा और वो भी उसके ऊपर चला गया इसके बाद एक और शख़्स ने उसे पकड़ा और वो भी ऊपर चला गया फिर इसके बाद एक और शख़्स ने इस रस्सी को पकड़ा और वो टूट गई फिर उसके लिए जोड़ दी गई और वो इसके ज़रिए ऊपर चढ़ गया वजह सल्लल्लाहु ने वसल्लम से अर्ज़ किया या अलैहि वसल्लम मुझे इसकी तबीर करने दीजिए इजाज़त हो तो मैं तबीर करूँ आपल फरमाया इसकी तबीर करो तो दूबकर ने कहा कि साया करने वाला बादल तो इस्लाम है और जो शहद और घी उसमें से टपक रहा था वो कुरान है इसकी शरीनी और इसकी लताफत और लोग उससे जो शहद और घी ले रहे हैं इससे मुराद कुरान हासिल करने वाला है यानी क़ुरान करीम का इलम हासिल करने वाला ज़्यादा या थोड़ा और वो रस्सी जो आसमान तक पहुंची हुई है तो वो हक़ है जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको लिया और इसके ज़रिए आप बुलंद हो गए फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इसको एक और आदमी लेगा और इसके लिए इसके जरिए बुलंद होगा फिर एक और वो भी उसके ज़रिए बुलंद होगा फिर एक और और वो मुनकते हो जाएगी फिर इसके लिए जोड़ी जाएगी और वो उसके ज़रिए बुलंद होगा आप सल्लल्लाहु वसल्लम ने फरमाया तुमने कुछ सही कहा और कुछ गलती की है हज़रत वक्र ने अर्ज़ किया यार रसोल्ला मैं वसल्लम, वल्ल् कसम देता हूँ आप मुझे ज़रूर बताइए जो मैंने ठीक कहा और जो मैंने ग़लती की है नबी अलैहि वसल्लम ने फरमाया बकर कसम न दो यानी आप नहीं चाहते थे कि जो तबीर सही तबीर है वाज तौर पर जो हो वो बताई जाए उस वक्त इसलिए आपने घुमाया कसम न दो बस ठीक है जितनी तुमने कर दिया वही काफी है वही काफ़ी है इबन शहाब से मरवी है कि नबी करीम वसल्लम ने एक ख्वाब देखा इस ख्वाब को हजूब व के सामने बयान करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने ख्वाब में देखा है कि जैसे मैं और तुम एक जीने पर चढ़े हों और मैं तुमसे से अढ़ाई सीढ़ी आगे बढ़ गया हूँ उन्होंने कहा खैर है या वसल्लम अल्लाह आपको उस वक्त तक बाकी रखेगा कि आप अपनी आँखों से वो चीज़ देख लें जो आपको मसरूर करे और खुश करें और आपकी आँखों को ठंडा करे आपने उनके सामने इसी तरह तीन मरतबा दोहराया तीसरी मरतबा फरमाया किए वक्र मैंने ख्वाब देखा कि जैसे मैं और तुम एक जीने पर चढ़े मैं तुमसे अढ़ाई सीढ़ी आगे बढ़ गया उन्होंने कहा यार रसूल सल्ला वसल्लम अल्लाह आपको अपनी रहमत मकफर की तरफ़ उठा लेगा और मैं आपके बाद अढ़ाई साल तक ज़िंदा रहूँगा बकर हुँ। ने उसकी तशी की और इसी तरह हुआ। हजरत नबी करीम अलैहि वसल्लम की जोजा मुताहरा हज़रत आयशा बयान करती हैं कि मैंने ख्वाब में एक हुज़रे में तीन चाँद गिरते हुए देखे अ, अ, अपने हुजरे में अपने हुजरे में तीन चाँद गिरते हुए देखे तो मैंने अपनी ख्वाब अपने वालिद वालद हजतबीक के सामने बयान की जब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम की तस्वीन हज़त आयशा के हजर में अमल में आई तो हजरत अबूकर ने आपसे कहा ये तुम्हारे चांदों में से एक है और ये उनमें से बेहतरीन है। हैजरत अब्दुलरमान बिन अभी लैला रज़ी तैन बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वम ने फरमाया कि मैंने देखा कि काली बकरियों का रेवड़ मेरी पैरवी कर रहा है और उनके पीछे खाक्री रंग की बकरियों का रेवड़ है इस पर हज़ वकर रज़ालनों ने कहा कि या रसूल वसल्लम ये अरब आपकी पैरवी करेंगे और फिर अजम उनकी पैरवी करेंगे रसूल वसल् फरमाया कि फ़रिश्ते ने भी यही तबीर की है तो ख्वाबों का ज़िक्र था अब यह ज़िक्र है कि मर्दों में सबसे पहले मुसलमान कौन था तो इस बारे में यही है कि बकर यही कहा जाता है हजरत मार बिन यासर कहते थे कि मैंने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे इब्तदाई ज़माने में देखा जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम के साथ सिर्फ़ पाँच ग़ुलाम और दो औरतें और हजरत बकर थे मृत शर साहब ने अपनी तस्नीक सीरत ख़ा में तफसीली नोट लिखा है जिसमें वो लिखते हैं ये बहस की है उन्होंने कि सबसे पहले नबी करीम पर कौन ईमान लाया था चाचे आप लिखते हैं कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने मिशन की तबलीग शुरू की तो सबसे पहले ईमान लाने वाली हजरत खतीजा थी जिन्होंने एक लमह के लिए भी तरद नहीं किया हज खतीजा के बाद मर्दों में सबसे पहले मान लाने वालों के मतलब मरखीन में अख्तलाफ है बाज़ हजरत अब्दुल्ला बिन नबी खाफा का नाम लेते थे बाज़ हजरत अली का जिनकी उम्र सिर्फ दस साल की थी और बादज आ अलैहि वसल्लम के आज़ाद करता ग़ुलाम हजरत जैद बिन हारसा का मगर हमारे नज़दीक ये झगड़ा फजूल है हजरत अली और जैद बिन हारसा आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के आदमी थे और आपके बच्चों की तरह आपके साथ रहते थे आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाना था और उनका ईमान लाना था यानी जो वहाँ ने फरमा दिया उस पर उनको यकीन था और ईमान था इसलिए ये कहना कि वहाँ ईमान लाए तो ये कोई ऐसी बात नहीं क्योंकि उनकी उम्र छोटी थी और घर के फर्द थे बल्कि इनकी तरफ से तो शायद किसी कौली इकरार की ज़रूरत भी नहीं थी बस इनका नाम बीच में लाने की ज़रूरत नहीं और जो बाकी रहे उनमें सबसे उन सब में से हजतब बकरी तला मुसलमह तौर पर मुकदम और साबिक वे लम थे हजूब बकर अपनी शराफत और काबलीत की वजह से क्रैश में बहुत मुकर्रम और मुक्रमज़ थे और इस्लाम में तो उनका वो रस्बा हासिल हुआ जो किसी और सबी को हासिल नहीं था हजतूबकर ने एक लम्हा के लिए भी आ हज़रतल वम के दावे में शक नहीं किया बल्कि सुनते ही कबूल किया और फिर उन्होंने अपनी सारी तोजो और अपनी जान और माल को आ हज़रतल वम के लाए हुए दीन की खिदमत में वक्फ कर दिया आ अपने सबा में अबू बकर को ज़्यादा अजीज़ रखते थे और आपकी वफात के बाद वो आपके पहले खलीफा हुए अपनी खिलाफत के ज़माने में उन्होंने बेनज़ीर काबिलियत का सबूत दिया बकर के मतलब यूरोप का एक मशहूर मुस्तशक स्प्रिंगर लिखता है कि अबूबकर हो का आगाज़ इस्लाम में मोहम्मद सल्ला लाना इस बात की सबसे बड़ी दलील है कि मोहम्मद सल्ला खाद धोखा खाने वाले हों मगर धोखा देने वाले हरगज़ नहीं थे बल्कि सिद के दिल से अपने आप को खुदा का रसूल यकीन करते थे और सर विलियम म्यूर को भी स्प्रिंगर की इस राय से कुल इतफ़ाक़ है हज खुतीजा हजत अबकर हजरत अली और जैद बिन हादसा के बाद इस्लाम लाने वालों में पाँचास्त जो हजत की हजतरान होगी तबलीग से ईमान लाए और ये सब के सब इस्लाम में ऐसे ज़लीलुल कदर और अली मरतबा सबाब हाँ निकले कि चोटी के सहबा में शुमार किए जाते थे इनके नाम ये हैं अव्वल हजरत ऊस्मान बिन अफ़ान दूसरे अब्दुलरहमान बिन औफ तीसरे साद बिन नबी वकास चौथे ज़ुबैर बिन अवाम पाँचवें तला बिन उबैदल ये पाँचों सहब अशर्य बशर में से हैं यानी उन दस अब में दाखिल हैं जिनको आ हज़रतल व अपनी ज़ुबान मबारक से ख़ास तौर पर जन्त की बिशारत दी थी और जो आपके नहाय मुकर साहबी और मशीर शुमार होते थे मुस्लिम रजिलान ने ब्यान, एक मौक़े पर बयान किया जमात को माली तारीख करते हुए कर रहे थे उसमें फरमाया उसको इस चीज से भी जोड़ा इस वाक़े के साथ अब लिखते हैं कि मोमिन ऐसी तारीखों पर घबराता नहीं यानी माली तारीखों पर या कुरबानी की तारीखों पर बल्कि खुश होता है और इसको फख्र होता है कि तहरीक सबसे पहले मुझ तक पहुँची वो डरता नहीं बल्कि इस पर इसको नाज होता है और खुदा ताला का वो शुक्र शुक्रिया अदा करता है और सबसे ज़्यादा इसकी राह में कुर्बानी करता है और दर्जा भी सबसे बढ़ कर पाता है क्या कोई कह सकता है कि जो कुरबानियाँ हज़ोकर की या जिस खिदमत का उनको मौका हासिल हुआ वो आर्जू करते थे कि मुझे सबसे पहले इन कुर्बानियों का क्यों मौक़ा मिला कभी खुद सोचा होगा ख़्वाश की होगी क्यों मुझे मौक़ा मिला उन्होंने तो बड़ी ख़ुशी के साथ अपने आप को खतरात में डाला और ख़ुदा की राह में तकलीफ़ें उठाईं। इसलिए उन्होंने वो दर्जा पाया जो हजरत उमर भी ना पा सके क्योंकि जो पहले ईमान लाता है उसको सबसे पहले कुर्बानियों का मौका मिलता है हालाँकि ख़तरात हजरत उम्र के ईमान लाने के वक्त भी थे तकलीफें दी जाती थीं नमाजें नहीं पढ़ने देते थे सहाबा वतनों से बेवतन हो रहे थे पहली हिजरत अफशा जारी हजरत अफशा जारी थी तरक् का ज़माना उनके ईमान लाने की बहुत बात शुरू हुआ मगर फिर भी जो मरतबा हजरत वो इब्तदा में ईमान लाने और इब्तदा में कुर्बानियों का मौका में असर लाने की वजह से हासिल हुआ हजरत उमर उसकी बराबरी ना कर सके यही वजह है कि एक दफा से बकर उमर का इख्लाफ हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि तुम लोग जिस वक्त इस्लाम से इनकार कर रहे थे उस वक्त अबू बकर ने इस्लाम को कबूल किया और जिस वक्त तुम इस्लाम की मुखालफत कर रहे थे उसने इस्लाम की मदद की अब तुम उसको क्यों दुख देते हो तो उनके पहले ईमान लाने और कुर्बानियों का इजहार आ हज़रत अलैहि वसल्लम ने फरमाया हालांकि तकलीफ़ें हज़रत उमर ने भी उठाई थी और कुर्बानियाँ उन्होंने भी दी थी बस हजू वक्र को इस सबकत पर फख्र हासिल था क्या कोई कह सकता है कि हजदू वकर ये चाहते होंगे कि काश फतः मक्का के वक्त इनको ईमान लाने का मौका मिलता बल्कि अगर दुनिया की बादशाहत को भी इनके सामने रख दिया जाता तो हजू वक्र उसको नहायत हकीर बदला करार देते और मंजूर न करते बल्कि वो इस मरतबे के मुआवजे में दुनिया की बादशात को पाँव से ठोकर मारने की भी तकलीफ गुवारा न करते बस <coughs> ये उनकी कुर्बानियों का सिला था और इस तरह अल्लाह ताली सिला देता है दर्जा बदर्जा गुलामों को आज़ाद करवाने के बारे में लिखा है हैतुमर तो हो कहा करते थे कि अबू बकर सैदो व आता का सैदो ना यानी बलाला अबू बकर हमारे सरदार हैं और उन्होंने हमारे सरदार को आज़ाद किया उनकी मुराद हज बलॉल से थी हजत बकरीक ने आगा इस्लाम में अपने माल से सात गुलामों को आज़ाद करवाया जिन्हें अल्लाह की वजह से तकलीफ़ दी जाती थी उन गुलामों के नाम ये हैं हज बलाल रजिद हो आम फहरा रजिता हो जनीरा रजित हो नातिया रजिदन हो और उनकी बेटी और उनकी बेटी बनी मम्मल ये ग्लॉन्डी और उमै अवैस भी यज़त उमर की नेखी और अखलाक़ फाजला के, के कायल थे जहाज़ मुस्लिम आऊत हो जान फरमाते हैं कि अबू बकर जैसा इंसान जिसका सारा मक् ममूने आसान था वो जो कुछ कमाते थे ग़ुलामों को आज़ाद कराने में खर्च कर देते थे आप एक दफ़ा मक्के को छोड़ कर जा रहे थे कि एक रईस से रास्ते में मिला और उसने पूछा वो बकर तुम कहाँ जा रहे हो आपने फरमाया उस शहर इस शहर में अब मेरे लिए अमन नहीं है मैं अब कहीं और जा रहा हूँ उस रईस ने कहा तुम्हारे जैसा नेक आदमी अगर शहर से निकल गया तो शहर बर्बाद हो जाएगा मैं तो पनाह देता हूँ तुम शहर छोड़ कर न जाओ आप उस रईस की पनाह में वापस आ गए आप जब सुबह को उठते और कुरान पढ़ते तो औरतें और बच्चे दीवार के साथ कान लगा लगा कर, लगा कर कुरान सुनते क्योंकि आपकी आवाज़ में बड़ी दिक्कत सोज और दर्द था और कुरान ने करीम चूँकि अरबी में था हर औरत मर्द, बच्चा उसके मानी समझता था और सुनने वाले उससे मुतासर होते थे जब ये बात फैली तो मक् में शोर पड़ गया कि इस तरह तो सब लोग बेदीन हो जाएंगे आखिर लोग इस रईस के पास गए और उससे कहा कि तुमने इसको पनाह में क्यों ले रखा है उस रईस ने आपसे आकर कहा कि आप इस तरह कुरान ना पढ़ा करें मक्के के लोग इससे नाराज़ होते हैं हजदबू को ने फरमाया फिर आप अपनी पनाह वापस ले लें मैं तो इससे बाज नहीं आ सकता चाचा इस रईस ने अपनी पनाह वापस ले ली यह आपके तकवा और तहारत का कितना जबरदस्त सबूत है कि मोहम्मद रसूल के वो लोग शदीद दुश्मन थे और आपको गालियाँ भी दिया करते थे लेकिन अबू बकर की पाकीदगी के, के वो इतने कायल थे कि उस रईस ने कहा कि आपके निकल जाने से शहर बर्बाद हो जाएगा अमामत नमाज के बारे में आता है कि नबी करीम वसल्लम की अदम मौजूदगी में जिन चंद अहबाब को मस्जिद नबी में नमाज़ पढ़ाने की शहादत नसीब हुई उनमें हजत अब्बर भी हैं और हजत अब्बकर की एक खसूस दत यह भी है कि आरत सल्लम के आखिरी अजाम में तो बलखसूस आ हजरत सल्लि वल् के अर्शात के मुताबिक नमाजें पढ़ाने की सहादत में असर आई इस बारे में मुतफरक रवायात हैं और ने बयान किया कि रसूल सल्मा वो लोग जिनमें अगूबकर हों उनके लिए मुनासिब नहीं कि उनके अलावा कोई और उनकी आमामत करवाए असद बयान करते हैं कि हम हज़त आई ता के पास थे कि इतने में हमने नमाज़ पर बायदगी और उसकी अज़मत का ज़िक्र किया तो उन्होंने फरमाया कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बीमारी से बीमार हुए जिसमें आप फौत हो गए थे तो नमाज़ का वक्त हुआ और अजान दी गई वसल्लम ने फ़रमाया अबू बकर से कहो कि वो लोगों को नमाज़ पढ़ाएँ तो आपसे अर्ज़ किया गया कि अबू कल्ब हैं जब आपकी जगह खड़े होंगे तो वो लोगों को नमाज नहीं पढ़ा सकेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा फ़रमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर वही अर्ज़ किया गया कि रुखी गलकर है तो आपने तीसरी उम्र तो फिर फ़रमाया और कहा तुम यूसुफ वालियाँ हो मैंने उस तरह की बातें कर रही हो तो अबूबकर से कहो कि वो लोगों को नमाज पढ़ाएं तब हज़रत तो हज़त अबूबकर निकले नमाज़ पढ़ाने के लिए नबी वसल्लम ने अपनी तबीयत में कुछ अफाका महसूस किया तो आप सलीम निकले और आपको दो आदमियों के दरमियान सहारा दिया जा रहा था वो कहती हैं मुझे ये ऐसा ही याद है गोया कि मैं अभी देख रही हूँ कि आपके पाँव जो बीमारी की वजह से ज़मीन पर लकीरें डाल रहे थे यानी चल नहीं सकते थे सी तरह पाँव उठा नहीं सकते थे तो पाँव ज़मीन में घिसट रहे थे हर तो वो कहने चाह जब आपको देखा इस तरह आते हुए कि पीछे हट जाएँ मगर नबी करीम सल सल्लारा से फरमाया कि अपनी जगह पर ही रहें फिर आप आपली को लाया गया यहाँ तक कि आप हजर बकर के पहलू में बैठ गए आमश से कहा गया और क्या नबी नमाज़ पढ़ा रहे थे और हजरत बकर आपकी नमाज की किताबें पढ़ते थे और लोग हजरत बकर की नमाज़ की किताबें पढ़ते थे तो उन्होंने सर से इशारा किया कि हाँ वसल्लम ने हज़त बकर के बाएँ तरफ बैठे आप के तरफ बैठे और हज़रतर खड़े होकर नमाज़ पढ़ा रहे थे पढ़ रहे थे हसन मालिक अंसारी ने ये रावी कहते हैं कि मुझे बताया उन्होंने नबी करीम सल व् की इत की और ख़िदमत की और आपकी सोहबत में रहे बताया कि ऊबर उन लोगों को नमाज पढ़ाया करते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बीमारी में जिसमें आपकी वफात हो गई यहाँ तक कि जब पीर का दिन हुआ और वह नमाज़ में सफ़ों में थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरे का पर्दा उठाया अपने हिम आप हमें देख रहे थे और आप खड़े हुए थे कोया कि आपको चेहरा मुबारक कुरान मजीद का वर्क था फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुश होकर तो की फरमाया और हमें ख्याल हुआ कि हम खुशी से आजमाइश में पड़ गए हैं नबी को देखने की वजह से इतने में हजत कर रिदार हो अपनी एड़ियों के बल पीछे हटे ता वो सफ़ में मिल जाएँ और वो समझे कि नबी सल वल्ल नमाज के लिए बार तशीफ़ ला रहे हैं मगर नबी सल सल् ने इशारत फरमाया कि अपनी नमाज पूरी करो और पर्दा डाल दिया और आप उसी दिन फौत हो गए एक रिवायत में है कि एक मरतबा इन्हीं दिनों में हजरत उमर ने नमाज़ पढ़ाई थी इसकी तफसीों मिलती है कि हजरत अब्दुल्ल् बिन जमह बयान करते हैं कि जब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी शदीद हो गई और मैं मुसलमानों की एक जमात में आपकी खिदमत में मौजूद था हजरत बिलाल ने आपको नमाज के लिए बुलाया तो आप सल्लल्लाहु वसल्लम ने फरमाया किसी को कहो कि वह लोगों को नमाज़ पढ़ाए हजरत अब्दुल्ल बिन ज़मह बाहर निकले तो देखा हर लोगों में थे और हज़र वक्र मौजूद न थे कहते हैं मैंने कहा कि अय उमर खड़े हो जाएं और लोगों को नमाज़ पढ़ाएं वो आगे बढ़े और अल्लाह अकबर कहा जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी आवाज़ सुनी हज़रत उमर की आवाज़ बुलंद आवाज़ होती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया अबू बकर कहाँ हैं अल्लाह इसका करता है और मुसलमान भी अल्लाह उसका इनकार करता है और मुसलमान भी।, भी आपने हजरत अबू बकर को बुला भेजा वो आए और बाद इसके कि हज़रत उमर नमाज़ पढ़ा चुके थे फिर उन्होंने लोगों को नमाज पढ़ाई ये भी एक रवायत है एक और रवायत में है कि नब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़त उमर की आवाज़ सुनी तो नबी सल्लल्लाहु सल्लम बहार से शरीफ लाए यहाँ तक कि आपने अपना सर मुबारक अपने हजरत से बुलंद करके देखा फिर फ़रमाया नहीं 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 चाहिए कि अपने अभी कहाफ़ा लोगों को नमाज पढ़ाएँ आपने ये नाराज़गी से फरमाया इस रवायत की मजीद तफ़ी मुस्लत अहमद में ये मिलती है कि जब हजरत उमर को इस बात का इलम हुआ तो उन्होंने बिन बिजा से ह... जिन्होंने हजरत उमर से कहा था कि आप नमाज़ पढ़ाएँ कहा कि मैंने तो समझा था कि तुम्हें आ ने फरमाया है कि मुझे नमाज़ पढ़ाने को कहा जाए तो मगर मैं कभी भी नमाज़ न पढ़ाता उस तो इस पर उन्होंने कहाद्दुल्ला बिन ज़म ने के नहीं मैंने जब देखा गया हजर नज़र नहीं आ रहे तो ख़ुद ही ये सोचा कि इसके बाद आप ही नमाज़ पढ़ाने के अहल हैं इसलिए मैंने खुद आपकी खिदमत में नमाज़ पढ़ाने की दरख्वास्त की थी मुझे कहा गया था ये मुस्त की रवायत है आपकी शफकत औलाद के बारे में लिखने वाले लिखते हैं एक मुसनफ ने लिखा है कि हजरत बकर को अपनी औलाद से बहुत मोहब्बत थी अपने कौलोमल से वो अक्सर इस बात का इजहार भी करते रहते थे बड़े साहेबजादे हजरत अब्दुलरहमान अलग मकान में रहते थे लेकिन उनके घर का ख़र्च हजरत अवकर ने अपने ज़िम्मे ले रखा था हजरत ओकर की बड़ी साहबजादी हजरत अस्मा की शादी ज़ुबैर बिन अवाम से हुई थी वो शुरू शुरू में बहुत तंगदस्त थे घर में कोई खाद या खादमा रखने की मददरत न थी इसलिए हज़रत अस्मा को बहुत काम करना पड़ता वो आटा गूँधती थी खाना पकाती थी पानी भरती थी डोल सी सीती थी और काफ़ी फासलों से खजूर की गुठलियाँ सर पर लाद कर लाती थी यहाँ तक कि घोड़े को चारा भी खिलाती थी हजरत बकर सिद्दीक को इन जब इन हालात का इलम हुआ तो उन्होंने एक खादम भेजा जो घोड़े को चारा खिलाता और उसकी देखभाल करता था हजरत स्मां कहती हैं कि खादम भेज कर गोया बाजान ने मुझको मुझे आज़ाद कर दिया हजरत अब्दुल्ला बिन बकर को अपनी बीवी यादक़ा से मोहब्बत थी एक और वाक़ लिखा है इसकी वजह से उन्होंने जहाद पर जाना छोड़ दिया था हजरत वक्र को ये बर्दाश्त ना कर सकते थे उन्होंने हजरत अब्दुल्ला को हुक्म दिया कि तुम बीवी की वजह से जहाद पर जाना छोड़ दिए तो उसे तलाक़ दे दो तो उन्होंने इसकी हुक्म की तामील तो कर दी, लेकिन का के फिराक में बड़े पुरदर्द इशार कहे हजरत वक्र के कानों तक <coughs> <coughs> ये अशार पहुँचे तो उनका दिल पसीज किया और उन्होंने हजरत अबिल्ला को रजू करने की इजाज़त दे दी हजतबरार ने बयान किया कि मैं हजरत अब्बकर के साथ उनके घर वालों के पास अंदर दाखिल हुआ तो देखा कि उनकी बेटी हज़त ऐशा लेटी हुई हैं उन्हें बुखार हो गया था मैंने देखा कि उन्होंने यानी हजरत अब्बकर ने हज़तायशा के रखसार पर भरोसा दिया और कहा और उनकी तबीयत पूछी कि बेबी बेटी तुम कैसी हो यह जिक्र इन शाभी भी ज्ञान होगा

توكلوا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وذوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر